उधर रुड़की के लक्सर क्षेत्र में ओसपुर गांव में शौच के लिए खेत में गए एक नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया। आरोपी उसी गांव का है जिसकी पहचान टिंकू के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दरअसल ओसपुर गांव निवासी एक मंदबुद्धि किशोरी पास खेत में शौच करने के लिए गई थी और तभी उसका पीछा करते हुए आरोपी टिंकू भी किशोरी के पास पहुंच गया। किशोरी के विरोध करने पर आरोपी टिंकू ने किशोरी के साथ मारपीट की। जब किशोरी बदहवास हो गए तो आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। ओसपुर गांव निवासी आरोपी टिंकू 3 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। गांव ओसपुर पड़ता है, वहां की एक सूचना आई थी। जो लड़की और लड़की का बाप और लोग आए थे रात के 11 बजे। इन्होंने अपने साथ ईख में उन्हीं के गांव के पिंटू नामक लड़के आदमी ने इसके साथ रेप किया और इसकी लिखित तहरीर हमें दी है इसके बाप ने। उसमें तुरंत हमने मुकदमा कायम किया और इसका आज सुबह हमने इस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया है। बाथरूम के लिए गई थी और इसका मुंह बंद करके इसे ईख में ले गया और इसके साथ जबरदस्ती करी गई और इसके साथ वैसे बलात्कार भी करा गया।